इस सीजन में आपने सबसे ज्यादा सुना है बिग बॉस एंथम, हम हैं बिग बॉस के वासी। बिग बॉस तो चाहते ही हैं कि बिग बॉस एंथम ज्यादा वायरल हो जाए, लेकिन हाँ, नथिंग बीट्स द सॉन्ग वाला डांस। जब सॉन्ग्स आते थे सुबह सुबह बजते थे और जनता, आई मीन घर वाले जब डांस करते थे, तो वो सबसे स्पेशल लगता था। बट चलिए अब बिग बॉस एंथम की बात करते हैं। बिग बॉस एंथम तो आपने सुना है, अब घर में आएगा साजिद खान एंथम। जी हाँ, और ये कौन लेकर आ रहा है? ये बिग बॉस ही लेकर आएंगे, लग तो ऐसा ही रहा है। जिस हिसाब से साजिद खान की खातिरदारी हो रही है, जितना हिंदुस्तान के घरों में, इंडियन फैमिली में दामाद की खातिरदारी और बेटों की खातिरदारी होती है, उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है अब साजिद खान की खातिरदारी बिग बॉस के घर में हो रही है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 1.5 महीना हो चुका है। जैसे अब्दुल रोजिक के लिए अर्चना गौतम ने कहा था कि भैया मेहमान है, दूसरे देश का वासी है, दूसरे देश से यहां आया है, मेहमान है, लेकिन है तो कंटेस्टेंट ही ना। मेहमान नवाजी कितने दिन तक होगी? अब गेम तो खेलना पड़ेगा। ये चीज शायद बिग बॉस साजिद के खान में भूल गए हैं, नहीं, साजिद के केस में भूल गए हैं। जी हाँ, रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि जनता बहुत ज्यादा भड़क रही है। साजिद को सिर्फ हल्का फुल्का सलमान ने उस दिन डांट दिया, लेकिन सोर्सेज ऐसे कह रहे थे, ऐसे बता रहे थे, जैसे साजिद पे बिल्कुल ही आग बबूला हो जाएंगे, सलमान खान बिल्कुल ही वाट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की कई सारी खबरें सामने आ रही थी। अब चलिए मैं आपको बताती हूं कि साजिद खान जो है, उनको लेकर जनता ने गुस्से में एक एंथम बना दिया है। जी हाँ, एंथम कुछ इस प्रकार है, मैं गाऊंगी, आप जरा सुनिएगा। हम हैं साजिद सर के चमचे, ये हक कोई हमसे नहीं छीने। साजिद सर महान है, हम सब चमचों की शान है, हम सब उनके गुलाम हैं। साजिद सर, साजिद सर, साजिद सर, साजिद सर, बिग बॉस तेरे घर में, साजिद सर की चमचागिरी हम करें, रात और दिन सुबह शाम, साजिद साजिद करें, साजिद सर महान है, हम सबके दिल की शान है, उस पे हम कुर्बान है, उसके हम गुलाम है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी आवाज को यहाँ पर आप अवॉइड कीजिएगा, लेकिन इस गाने को आप अवॉइड नहीं कर सकते। भाई जिसने बनाया है, मस्त से कि बनाया तो काफी धमाकेदार है, बनाया तो बड़ा मजेदार सा है, लेकिन हाँ, जो सच इसमें कहा गया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। सच ये कहा गया है कि साजिद सर की चमचागिरी भैया बंद करो, हमें नहीं देखना। भैया अर्चना को देख देखे ना, ये भैया निकल आ रहा है मुंह से, बट बंद करो साजिद खान की चमचागिरी। यार बिग बॉस कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, आप तो समझो, आप तो बंद करो। और शिव ठाकरे अपना गेम, शिव के फैंस, अगर आपको वाकई शिव से प्यार है ना, तो ये ट्वीट्स और ट्रेंड्स करा के कुछ नहीं होगा। प्रेशर डालो मेकर्स पे कि साजिद और शिव को, मैं ये नहीं कह रही कि अलग करवाएं, लेकिन शिव को ये समझाएं कि वो साजिद के अंडर आ चुके हैं। अब कब साजिद ऊपर आ गए हैं और शिव एक प्यादा बन गए हैं, सारा मेन गेम जो है वो अब साजिद के इर्द गिर्द आ गया है, ये चीज शिव के फैंस को समझना जरूरी है, ताकि वो प्रेशर डाले और मेकर्स ये बात शिव तक पहुंचाए। आपको इस पर क्या कहना, बताइएगा।